मेरा नाम मनाल तायक है एंड आई एम पाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड आई एम ऑल्सो द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन 5 कंसेक्यूटिव जूनियर टाइटल्स। मैं 14 ईयर्स की थी जब मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था और मैंने एक बहुत ही क्रूशल मैच जीता था जिसमें थर्ड सेट में मेरा ओपोनेंट लीड कर रहा था 19 थे उसके और मेरे 11 और मैं वहाँ से 21-19 जीती। इवन दो आई ऑलवेज वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट बट इट वॉज माई फादर्स ड्रीम कि मैं बैडमिंटन खेलूँ और ऊपर से ये बहुत ही क्रूशल मैं मैच जीती थी तो मैंने सोचा कि मैं बैडमिंटन ही खेलूँ प्रोफेशनली। मैंने खेलना शुरू किया एंड ऑन द वेरी ऑनसेट ऑफ माई करियर मुझे इंजरी हो गई थी, आई फ्रैक्चर्ड माई L4 एंड L5 जिसकी वजह से मैं एक टूर्नामेंट खेली और फिर मुझे दूसरे टूर्नामेंट से पहले मुझे जो है ना बेड रेस्ट का डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया था बट मुझे था कि यू नो आई डोंट हैव मच टाइम तो मुझे खेलना था तो मैंने आई रिमेंबर टेपिंग की, मैंने बेल्ट्स वगैरह पहनी और मैं अपना दूसरा अंडर 16 का टाइटल भी इसी तरह जीती थी। आई वॉन द सिंगल्स टाइटल एंड ऑल्सो द डबल्स टाइटल। आई थिंक नॉट ओनली बैडमिंटन स्पोर्ट्स जर्नली भी एक बंदे को बहुत ही डिसिप्लिन बना देती हैं उसके लाइफ स्टाइल में। जहाँ तक मेरी बात है आई हैव लर्न टू हैंडल डिफीट वेरी ग्रेसफुली, मैंने एक बहुत बैलेंस सीखा है लाइफ में। बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी बहुत सिखाती है मुझे एंड ऑल्सो द फैक्ट कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं लेकिन यू नो अल्लाह हैज़ बेटर प्लान्स फॉर अस, तो मेरी फेथ अल्लाह और उसके प्लान्स में भी बहुत अच्छी हो गई है कि आई नो कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग कोई इंशाल्लाह कोई बेहतरी होगी मेरे लिए ज़रूर। आई प्रेजेंटेड पाकिस्तान इन 2017 ईरान का जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी अंडर 19 की, एक बहुत ही अनरियल सी फीलिंग थी बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दैट और एक ड्रीम फुलफ़िल होने वाली बात थी। और जब आप देख रहे होते हो कि यू नो यू आर द ओनली वन रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री और वो फ्लैग यू नो नेशनल एंथम लगा हुआ होता है, आपका फ्लैग लगा हुआ होता है उनके हॉल में, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है एंड इट्स समथिंग आई कांट डिस्क्राइब। जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ आई थिंक दे कैन इमेजिन व्हाट वन गोज थ्रू। मैं सुबह में कॉलेज से पहले आई मेक श्योर दैट आई वर्क आउट फॉर एटलीस्ट 1 आवर और जब मेरा नहीं होता स्कूल या कॉलेज तो मैं तकरीबन अपनी सुबह की रूटीन 2 घंटे तक की रखती हूँ। आई थिंक बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक रिप्रेजेंटेशन इज़ द की, जितना ज़्यादा बच्चों को कवर किया जाएगा, जितना ज़्यादा उनके टूर्नामेंट्स को कवर किया जाएगा उतना अच्छा और उतना आगे ये स्पोर्ट जा सकती है। और टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वी जस्ट नीड द राइट रिसोर्सेज जिससे हम प्लेयर्स को आगे भेजें और वो इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और मेडल्स वगैरह लाएं। इन टर्म्स ऑफ बैडमिंटन मैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स में, सैप गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में रिप्रेजेंट करना चाहूँगी और गोल्ड जीतना चाहूँगी पाकिस्तान के लिए। और पर्सनली क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो मैथ्स कम्युनिकेशंस में है तो मैं चाहूँगी कि मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आऊँ और क्योंकि मुझे बचपन से ही क्रिकेट का शौक़ है तो मैं चाहूँगी कि मैं क्रिकेट कमेंटेटर भी बन जाऊँ। कोई भी फील्ड हो आई थिंक सैक्रिफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस टू अचीव समथिंग बिकॉज व्हेन यू हैव टू अचीव समथिंग यू नेवर एवर अचीव्ड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर एवर डन। तो उसके वजह से मुझे भी एकेडेमिकली भी और पर्सनली भी आई हैड टू मिस आउट ऑन माई पेपर्स, आई हैड टू मिस आउट ऑन माई फैमिली वेडिंग्स क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरी गेम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे जीतना है, मुझे अच्छा खेलना है ताकि मैं आगे खेल सकूं इंटरनेशनली भी अभी यहाँ से जीत कर। आई एम थैंकफुल टू HPL PSL एंड इनवरेक्स सोलर एनर्जी फॉर फीचरिंग माई स्टोरी इन हमारे हीरोज़ कैंपेन एंड फॉर रिवॉर्डिंग मी।